क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैंने डॉक्टर साहब के अंडर में LLM में डिजर्टेशन लिखी थी, जॉब रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। उन दिनों मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर था, तो इवनिंग से मैंने लॉ किया था, तो मैंने डॉक्टर साहब के साथ फावड़े भी चलाए थे उस बनाने में। वापस डॉक्टर साहब के बारे में ये नहीं पता होगा, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठ के फावड़े भी चलाते थे दीवारों को खोदने के लिए। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनको बनाने के लिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की एक हैबिट होती है कि हम इस सिस्टम की ना बुराई करते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि सो कॉल्ड अपर कास्ट में 15% जिनको बोलते हैं उनमें क्या काबिलियत है। इन्होंने हम 85% को गुलाम बना रखा है। इसका कारण ये है कि हम लोग इनकी बुराई करने के बजाय हम अपने अंदर मेरिटोक्रेसी डेवलप करें। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बैंक में था, जब मैं डिजर्टेशन लिख रहा था, तो मंडल कमीशन केस के ऊपर मैंने डिजर्टेशन लिखा था। तो इसमें क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने राम जेठमलानी को इंगेज किया, क्योंकि दलित समाज में कोई सुप्रीम कोर्ट का ढंग का वकील नहीं था। तो इन्होंने कहा मैं तुझे 2 लाख रुपये दूंगा, चाहे तेरी 1 लाख रुपये फीस के ना हो। तो राम जेठमलानी क्रिमिनल लॉ के लायर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के लायर नहीं थे, और ये जजमेंट गलत डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जब कोई इश्यू होता है उसके ऊपर जजमेंट दिया जाता है। 50% का कोई इशू ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। जबकि NM थॉमस केस में इससे पहले ये बड़ा क्लियरली कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा कि रूल ऑफ 50% रूल ऑफ क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि अभी भी 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में लागू है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशन होती तो डिक्लेयर हो चुकी होती। तो सवाल ये उठता है ऐसे क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि हमें महात्मा बुद्ध से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी, कि जीवन में ये जानना पड़ेगा कि गरीबी सबसे बड़ा रोग होती है, सबसे बड़ा अभिशाप होती है। पहले हमें उसे दूर करना पड़ेगा, उसी वजह से हम अच्छी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। हमारे लोगों को लैंग्वेज नहीं आती ढंग की लिखनी, बाबा B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर साहब की किताबों का ढंग से कैसे पढ़ पाएंगे, फिर कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर वो व्यक्ति बना है जिसके पापा 45 लाख रुपये 1 साल की उसकी फीस भरते थे, फिर वो ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री में पढ़े, आज वो UK के प्राइम मिनिस्टर है। हमारे इंडिया के 85% लोगों में एक व्यक्ति इंग्लैंड में जाके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना, और USA में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी, हमारा आदमी क्यों नहीं बना। ये इसलिए होता है कि हम एजुकेशन की बात करते हैं, ये नहीं सोचते एजुकेशन भी पैसे से आएगी। पहले पैसा एकत्रित करो तब जाके एजुकेशन आएगी। अजय बांगा को अमेरिका का प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बनाया है, और उसके पापा 95 साल के अभी भी लेफ्टिनेंट जिंदा हैं, और हमारे समाज के आदमी के लोगों का पता नहीं होता 60 साल के बाद कब उसकी 13वीं हो जाएगी। तो मेरे ये विचार है कि हम इनकी बुराई ना करके इनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि विवेकानंद भी अगर 32 डिग्रियाँ ले लेता तो क्या चीज़ होता, क्या वो ग्रेजुएट भी बहुत कम था। तो हमें इस प्रकार के विचार रखने भी चाहिए, और इनकी बुराई ना करके इनसे कंपटीशन करो, तब पता लगेगा क्या चीज़ होते हैं। मेरे ये विचार। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। Thank you.